हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। फाइनली करीब करीब 4 या 5 महीने बाद भाई दोबारा शक्ल देखने को मिल रही है। अब किस जगह बिजी था, कहां पूरी तरह से इन्वॉल्व था मैं, क्योंकि इतना टाइम तक कोई अपडेट नहीं आया, कुछ नहीं आया। तमाम अलग अलग वीडियोस आने लगे कि भाई संस्कारी सुमित लेकिन नहीं भाई, कहां बिजी था वो दिखाता हूं। आउटकम जो आया है वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। बाहर क्यों खड़ा हूं, क्योंकि बाहर से वो चीज़ दिखती है, देखो। तो भाई ये है अपना घर। अब मैं घर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि शायद आपने पहले वाला पुराने वीडियोस में देखा है, नहीं देखा पता नहीं, लेकिन पहले से अब मैं काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहले तो कलर स्कीम चेंज हुई है, और दूसरी चीज़ जो बाहर से पूरा नीचे का पोर्शन है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस समय का जो लुक है वो ये है, रात को और भी बढ़िया लगता है जब लाइटिंग वगैरह जल जाती है ना, पूरी तमाम हर पिलर पर लाइट है, यहाँ लाइटें हैं। वो इस वीडियो को जब एंड कर रहा हूँ तब नाइट वाला पूरा व्यू दिखाऊंगा, पूरी लड़ियाँ वड़ियाँ लगी हुई हैं अभी, है ना, देखो लाइट दिख रही है ना, तो वो बाद में दिखाऊंगा व्यू। लेकिन अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है, जो मेन काम हुआ है ना अंदर का, वो दिखाता हूँ आपको। जो भाई यार ये देखो, 4-5 महीने से गाड़ियाँ वेट कर रही हैं कि चला लो भाई हमें कोई। वो ऐसी धूल बेचारी की सुबह साफ हो जाती है, फिर दिन भर में ऐसी पूरी डस्ट हो जाती है। हाँ, तो जो फ्रंट लुक आ रहा है वो ये है, जो गाड़ी वगैरह के लिए है वो अपन ने इधर शटर डाल दिया, और मतलब बाइक वगैरह ही, कार तो यहीं खड़ी रहती है बाहर, बाइक वगैरह सब अंदर जाती है ना। और इधर से अपना बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस हो गई है, ये लाइट वाइट सब जलती हैं। बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा, तब देखना। अभी फ़िलहाल अंदर का नज़ारा देखो, और ये देख रहे हो अभी पूरी तरह से काम निपटा नहीं है, अभी अंदर देखना कितना ये गंदा हो रहा है ना, तो ये सब पूरी दोबारा से पॉलिश वॉलिश होनी है। अब भाई ये है अपनी एंट्रेंस, चलो ये तो जला के दिखाई देते हैं। ये इस तरह से अपने लैंप है, और ये अपना मेन एंट्रेंस है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जिसको पहले वाले मतलब वो लुक देखना है ना, तो भाई वो पुराने वीडियोस देख लो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पर अपना एक चैनल होता था स्लाइडर वाला, अंदर बाइक वाइक खड़ी रहती थी। तो अभी का ये लुक है, और अब चलते हैं जरा इधर भी देख लो, इधर ये टॉयलेट टॉयलेट बना दिया, ये कॉमन है, अभी टॉयलेट अंदर भी है। ये देखो ये है भाई, और जैसे ही लाइट वाइट जलेंगी तब कुछ वाव वाला फील आ जाएगा। इसको करते एक बार बंद, ठीक है, ये बंद हुआ। अब सबसे पहले, क्योंकि लाइटिंग का ही खेल है ना, ये है अपना स्विच बोर्ड जादुई सा, पहले एक बार ये देख लो लुक, ठीक है। अब भाई ये देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इसको बंद रखते हैं। और अब देखो ये भाई साहब, मुझे खुद अच्छा सा लग रहा है जितनी बार देखो उतना मजा सा आता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, देख के कह दो यार, बोल दो, एक्सप्रेस कर दो कि हाँ टाइम लगा है पूरी तरह से। ये भाई लुक आया। और अभी कहोगे ना, बहुत से लोग होंगे, क्योंकि मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा यार, ये जो सोफ़ा वोफा है ना, ये हमारे पुराने सोफ़ा हैं, 20 साल से ऊपर पुराने हैं। यहाँ पर इसीलिए इसको डाला है, क्योंकि जो अपने नए वाले हैं वो अभी टाइम ले रहे थे आने में, है ना, क्योंकि पूरा ही फर्नीचर है वो इकट्ठा ही आना है, इसमें टाइम लगना था। तो यार इस समय लोग आ रहे थे क्योंकि दिवाली है, तो इसीलिए यहाँ डाल दिया, क्योंकि बिठाना उठाना तो है ना, तो इसीलिए ये टेम्परेरी रखे हुए हैं। बाकी ये टेबल भी चेंज होगी यहाँ से, ये टेम्परेरी है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो परमानेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट करके ये बता दो, इतने टाइम जो मैं रुका रहा हूँ, क्योंकि दिमाग से कर रहा हूँ, और ये किस पर्पज़ से बना है वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और एक बार लुक वगैरह जो है ना, एंड तक का वेट मत करना, कमेंट कर रहे हैं, तारीफ कर देना अगर कर रहे हो। तो भाई ये है पूरा का पूरा लुक, क्या बात है, मज़ा सा आ रहा है ना। हाँ अरे ये भी तो जलाए यार, अभी तो रह गया ना, ये मस्त, इधर भी है ये मस्त। तो ये टनाटन हो गया अपना पूरा का पूरा लुक, इधर से इस एंगल से दिखाते हैं ना, ये देखो सही है। ये है अपनी इस समय लॉबी, हाय हाय क्या बात है। अरे ये भी रह गया यार, अभी तो बहुत चीज़ें रह गई हैं। हाँ ये इसीलिए क्योंकि साइड्स में भी लाइट हो ना इसमें, ठीक है। और हाँ, बहुत से लोग कहेंगे भाई करवाया होगा ये सब डिज़ाइन वगैरह, नहीं करवाया। टाइम जो इतना लगाया, ये काम शुरू हुआ था 29 जून को शुरू हुआ था, और अभी पूरा नहीं निपटा, बस छोटी मोटी जो फाइनल चीज़ें हैं, मेन जो काम है वो निपट चुका है, इसी वजह से दिखा रहा हूँ। मैं अभी बैक ऑन ट्रैक आ रहा हूँ, अब किसी से भी डिज़ाइन नहीं करवाया, पूरे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ आनी है वो सब खुद से मेहनत करके धीरे 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 चीज़ें बनती चली गई, और इस तरह से काम हुआ है। हाँ यहीं पर ही नहीं रुकूंगा, है ना, और आगे भी लेकर जाता हूँ। चलो
शुरुआत कहाँ से करें? हाँ, ये कहोगे यहाँ पर क्या है ये किचन वगैरह, तो भाई ये मैंने एक्चुअल में बनाया, आपको एक बार प्लान बताया, तो ये मैंने एक मिनी होटल टाइप का बनाया एक्चुअल में। जो गदरपुर एरिया है हमारा, यहाँ पर ठीक ठाक से रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अगर किसी के भी गेस्ट आ रहे, कोई भी पर्सन ऐसा जिसे रात को स्टे करना है, तो या जाना पड़ता था यहाँ से 20 किलोमीटर रुद्रपुर की तरफ, या जाना पड़ता था 18-20 किलोमीटर बाजपुर, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता था। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मैंने कहा क्यों ना यार यही चीज़ करें, ठीक है। तो रेनोवेशन तो होना ही था, तो मैंने कहा इसी के साथ कुछ ऐसा रेनोवेट कर दे कि कुछ यार एक फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं इनकम बन जाए वो, है ना, और जब काम हो ही रहा है तो अच्छे लेवल से ही हो जाए, तो इसीलिए। और ये जो किचन यहाँ पर बनाई है अपन ने ओपन टाइप में, ये इसीलिए बनाई है किसी के साथ छोटे बच्चे हैं या उनको ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी या खुद से छोटी मोटी चीज़ें करने की, तो भाई उनको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर मैं छोटा इंडक्शन वगैरह रख दूंगा, तो अब यहाँ सामान वामान आएगा, ये कवर हो गया, बस वो रह गया, लेकिन ये जो पर्पज़ है इसका ये वही है। ओके रिपोर्ट। चलो भाई अब आते हैं सबसे पहले इस रूम में, ये देखो, अरे वाह लाइट जली रही है। देखो भाई ये है रूम, ठीक, कैसा लग रहा है पहले बताना। लाइट्स पहले जला देता हूँ मैं, क्योंकि जैसा कहता हूँ मैं, जो खेल है वो लाइट्स का ही है, ये देखो। ठीक, तो ये रिपोर्ट है यहाँ की इस तरह से। यार यहाँ इसमें कैमरे में ना अलग ही टोन आ रही है एक बार, ये हाँ यार अलग टोन आ रही है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, ये जो है अपना इस तरह से, बाकी LMM अभी देख रहे हो, फर्नीचर वगैरह कहीं कुछ नहीं है, है ना, तो इसीलिए यहाँ पूरे में यहाँ TV पैनल आना है अपना, और यहाँ पर अपना बेड आना है, इसमें अलमारी आनी है, और हाँ इधर वॉशरूम है हर रूम में, क्योंकि भाई जो भी रुकता है उसे वॉशरूम चाहिए ही होता है, तो सब के लिए अलग से सेपरेट वॉशरूम है। यहाँ पर ये हो गया, ठीक, और इधर ये हो गया अपना नहाने का, ये थोड़ा सा नैरो रह गया, क्योंकि मेन चीज़ थी जब पुराना घर होता है ना, ये हमारा घर था कब का, 1990 मतलब अराउंड 30 साल पुराना घर था। 30 साल पुराने घर को एक देखो, उसका स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना होता है ना, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन जितना कर सकते थे कि स्ट्रेंथ को भी इफ़ेक्ट ना पड़े, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सब कुछ किया है। तो ये अपना पूरा हो गया, ये एक रूम। अब निकलते हैं यहाँ से, इसको करते हैं अपने यहाँ से, लाइट बंद कर दें यार पहले फटाफट फटाफट, हाँ इसको भी किया बंद यहाँ से, और ये तो हो गया बंद, ठीक है। अब निकलते हैं यहाँ से, और इसको करते हैं यहाँ से, ये हो गया एक रूम। अब आता है सेकंड रूम, हाँ ये है भाई, यहाँ अंधेरा कायम, अब इसको एक बार जला देते हैं। ये है अपना सेकंड रूम, और ये इस तरह से कुछ, ये भी खा लिया अभी, क्योंकि इसका भी सामान आ रहा है, अराउंड चार दिन के अराउंड में सारा जो सामान है बन रहा है अभी, वो आ जाएगा। कस्टमाइज है जैसा थीम है ना, इसी के अकॉर्डिंग था अपना, ठीक है। और ये अपना इसका वॉशरूम है, ये ओके, ये ठीक है। यहाँ शीशे वगैरह आ चुके हैं, वो लगने हैं, ठीक, इसको करते हैं अपने बंद। ये हो गया रूम नंबर 2 की रिपोर्ट। बाकी सब में पूरी की पूरी यार यहाँ पर, मतलब मैंने कहा टाइल वाइल ही करवा दो, ये पूरा ऊपर था, ये देख रहे हो शाइन शाइन आ गई ना, यहाँ यहाँ तक ये पूरी टाइलिंग है, उसके ऊपर अपन ने PVC करवाया। रीज़न था PVC करवाने का, क्योंकि जो दूसरी वाली सीलिंग होती है अपनी जिप्सम की या फिर POP की, इतना तामझाम हो जाता है, इतनी गंदगी फैल जाती है पूरे में, तो मुझे जल्दी काम खिंचवाना था। जल्दी करते करते सोचो, जल्दी करते करते भी इतना टाइम लगा है, क्या कह सकते हैं। बाकी चीज़ें पर्सनलाइज थी कुछ, इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग गया, ठीक है। चलो इसको भी करते हैं अपने बंद, ओके रिपोर्ट। अब आ जाते हैं कहाँ, दोबारा से बाहर, ठीक है। दो रूम हो गए अपने इस साइड, अब आ जाते हैं अगेन यहाँ बीच में, ये देखो सही लग रहा है ना। और ये बेचारा कोने में डिब्बा, यहाँ अपने राउटर वाउटर लगा दिए, ठीक है, वाईफाई के, और हाँ इसका नहीं दिखाना कमाल, मतलब इसकी लाइटिंग अच्छी सी है, कहाँगे इसकी, हाँ ये रहा। अब देखो ये हो गया वार्म वाइट, और ये हो गया अपना नेचुरल वाइट, मतलब इसमें दोनों अपने LED वो जलती हैं, और ये हो गया अपना अगेन कूल वाइट, हाँ मेरे को ज़्यादा यही पसंद है। और ये देख रहे हो ये वायर जैसी है, ये अभी भाई क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, इसमें सभी रूम में उसकी फिटिंग हो रखी है ना अपना जो AC है, तो वही वायर वगैरह दिख रही है। इसका भी कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तो AC लगाने का मतलब ही नहीं है, लेकिन देखूंगा यार, क्योंकि कुछ नहीं पता जो भी आके रुक रहा है उसकी क्या चॉइस है। कई लोग ऐसे होते हैं
कि भाई जो बिल्कुल कंबल अंबल ओढ़ गए ठंडा करके सोते हैं ना आप, हर किसी की चॉइस है, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं इस रूम पर। ये सामने भी ऐसे कॉर्नर ना दो रूम है, ये अपना यहाँ से खुला और देखो बिल्कुल एंटर होते ही यहाँ पर आपको पूरा रूम का लुक दिख जाएगा। ये अपना रूम यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर भी लैंप वगैरह, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बेड का एरिया दिख रहा है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, एक बार इन्हें भी जला देता हूँ। कहाँ से अभी तो बटन्स भी याद नहीं। हाँ ये हो गया अपना यहाँ पर ठीक, और ये है पूरा का पूरा लुक। और एंटर होते ही आपको ये वॉशरूम दिख रहा था, तो ये रहा यहाँ पर अपना वॉशरूम। ओके ठीक है भाई, ये है कुछ, इसमें भी पूरी पीवीसी वगैरह सब कुछ सेट है ठीक। अब आते हैं जरा चौथे रूम पे, इसको कर देते हैं यहाँ से पूरा अपना बंद। ओके अरे भाई इतनी देर हो गई, मुझे लगा था जल्दी वीडियो नहीं पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आ गए। यहाँ सोचो नया सोफा लग जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पर ना फोर सीटर आना है इस एंड से लेकर उस एंड तक एक साथ, जैसे यहाँ पर अभी तीन और साथ में एक रखा है ना, पूरा फोर सीटर आएगा एक, और उसके साथ यहाँ पर आ जाएंगे अपने छोटे पफी जो स्टूल होते हैं ना वो गुदगुदे से उसी के टाइप के, यहाँ पर फैंसी से टेबल आ जाएगा, मतलब मस्ता लगेगा। पफी यहाँ पर लगे हुए होंगे, फोर सीटर यहाँ लगा, जगह की जगह, खुल्ले का खुल्ला ठीक है। अब आते हैं यहाँ, अभी आप देखोगे ये वाला रूम है अपना, इसकी साफ़ सफाई रह गई है। रीज़न है क्योंकि अभी इसमें ये जो चेयर वेयर है ना, ये पूरी रेनोवेट होंगी, ये पुरानी चेयर्स हैं हमारी, और इन्हीं को रेनोवेट करके पूरा आज के ज़माने का बना देंगे। चलो लाइट जला देते हैं एक बार, फिर देखते हैं यहाँ, ये देखो ठीक है। तो इस तरह सामान बिखरा हुआ है, और भाई ये व्हील कवर मेरी बलैनों के बिल्कुल जब नहीं थी, मैंने अलॉय भी लगवा लिए थे, बेचारे ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। कहाँ जब वैगन आर ली थी तब ये ओरिजिनल मैंने खरीदे थे भाई, 800-900 रुपए का एक पीस आता है, और अब देखो ऐसे कूड़े में पड़े हुए हैं। जो रिम थे वो तो मैंने कबाड़ में बेचे हैं यार, क्या करें, बेकार के पड़े रहते, जगह घेरते। हाँ तो यहाँ पर इसका वॉशरूम आ जाता है कुछ इस तरह से। ये अभी साफ़ सफाई होनी है, बाकी फिटिंग तो पूरा हो गया, ये वाला रूम ही साफ़ सफाई से रह गया बस, है ना, ये इस तरह से हो गया। ओके रिपोर्ट। तो यह बाकी इसमें एक कॉर्नर ये निकला है अपना, यहाँ पर देखो दिखाता हूँ अभी, इसको करते हैं अपने बंद। यहाँ पर आ जाएगी अपनी, यहाँ पर विंडो एसी, इधर एक अलमारी, बाकी ये एक विंडो हो गई इधर ठीक है। तो इस तरह से अपन ने बनाया, यहाँ पर ये थोड़े से दूसरे लैंप है इधर से, हाँ यहीं से जल रहा है। यहाँ पर ये अपने बेड ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर अपना LED TV आ जाएगा, मस्त हो जाएगा ना। तो इस तरह से अपन ने ये पूरा का पूरा सेट बनाया। आपका क्या रेस्पॉन्स है एक बार देखा आपने, है ना, कैसा लग रहा है? क्योंकि यार हमें तो मतलब हमें क्या, जो भी कोई मेहनत करता है किसी भी चीज़ के ऊपर, भाई कोई पिक्चर विक्चर बना रहा है, कोई घर बना रहा है, तो उसे वो चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि उसने टाइम इन्वेस्ट करा है, उसने पैसा लगाया उस पर, अच्छी लगती है। लेकिन जो देखने वाले हैं वो बताते हैं एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, क्योंकि आप तो पहली बार ही देख रहे हो ना, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे ये था कि यार पूरी तरह से इसी में इन्वॉल्व था, और जो आउटकम है वो कुछ ये है, ये अपना है ना। अब इस पर देखता हूँ मैं, वैसे मैं रील वील बनाता नहीं हूँ, लेकिन आजकल ऐसे लुक के लिए चल रहा है, क्या लुकिंग लाइक अ वाओ, है ना, तो वही चीज़ है, वो करते हैं पूरे। बाकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर ये टेम्परेरी लग, मतलब इसमें 43 इंच का लगना है, तो वो यहाँ पर लग जाएगा, और ये आ जाएंगे अपने 32 वाले रूम में पूरा। हाँ एक चीज़ और, इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जैसे आप नोटिस करोगे ये दीवार पर अलग टाइल है, ये दीवार पर अलग टाइल है, ये चीज़ देखो, ये पूरा ऐसे लाइनिंग नहीं है भाई, ये 3D है, उभार है ये इसमें ठीक है। इधर अलग टाइल है, यहाँ पर पैनल बनना, और यहाँ ये अलग टाइल है, ये देखो आप, ये हुआ, ये जो है ये अपनी रफ वाली फुल बॉडी अलग टाइल है, कि स्लिप वगैरह ना हो ठीक। यहाँ ये अलग टाइल है, मतलब सारी चीज़ें इस तरह से होच पोच करके करी गई हैं कि टाइम तो लगना ही था यार ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया पूरा का पूरा लुक अपने जो रेनोवेटेड मिनी होटल का है। मिनी होटल तो नहीं है भैया, होटल ही रखेंगे यार, होटल में रुकते हैं यार, पूरी मेहनत करिए, मिनी क्यों करें, है ना। और हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था मेंशन करना, कि भाई ये बाल नकली नहीं है। मैं इसीलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतने टाइम तक किसी से भी नहीं, ऐसा नहीं मैं वीडियो नहीं बना रहा था, जितने ही मेरे आसपास के मतलब जहाँ मैं वीडियो बनाने जाता था उन लोगों से भी नहीं मिल पा रहा था। और जब इतने टाइम बाद मैं निकला हूँ तो सबके रिएक्शन थे, अरे बाल लगवा लिए क्या, नकली बाल लगवाए, क्योंकि उनकी आदत ही हट चुकी थी मुझे बड़े बालों में देखने थी। एक्चुअल में मैं घर में ही
खुद से ही हर 10 दिन 12 दिन में ट्रिम कर देता था बालों को। रीज़न ये था कि मेरे बिल्कुल पुराने वीडियो उठा के देखो ना, बिल्कुल स्टार्टिंग के, तो उसमें देखोगा बहुत बहुत बड़े बाल हैं, इससे भी बड़े बड़े थे। अब जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तो भाई उस समय क्या होता था, डिस्ट्रैक्शन इतना होता था कि जरा सी हवा है वीडियो बनाते हुए और बाल इधर आ जाएंगे और एकदम से डिस्टर्ब हो जाते थे कि यार बाल सही करो। तो मैंने कहा जड़ ही ख़त्म करो, इसी वजह से मतलब कई चीज़ें होती है। तो अब इतने टाइम में वीडियो बन नहीं रही थी तो भाई बाल बढ़ते चले गए। तो जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ वो सब ये कह रहे हैं कि भाई नकली बाल लगवाए हैं, सब ये समझते थे भाई टकला हूँ मैं, गंजा हूँ, ऐसा नहीं है, असली बाल है। और देखो ये कब तक रहते हैं, लेकिन उम्मीद है सर्दी सर्दी तो रखूँगा यार, कवर चाहिए होता है ना थोड़ा नेचुरल, ठीक है। तो भाई अब क्या करते हैं, वेट करते हैं शाम होने का, क्योंकि बाहर से भी जो घर का लुक है ना वो जबरदस्त आता है। नाम अभी क्या रखा है यहाँ का वो नहीं पता, बस और 3-5 दिन या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वो सब कुछ हो जाएगा, बाहर ब्रांडिंग वगैरह भी हो जाएगी, लेकिन जो लुक है बाहर का वो मस्त है। वेट करते हैं शाम होने का। तो मैच को एंजॉय करते करते इनिंग खत्म हुई है, हो चुकी है शाम, और जिसका वेट कर रहा था उस समय मैंने वो वाला पार्ट शूट कर लिया था, अब शाम तक का वेट करना पड़ा किसके लिए, सिर्फ बाहर की लाइटिंग के लिए। देखो सबसे पहले तो ये वाला, ये देखो भाई साहब, ये कुछ ये नज़ारे हैं अब पूरे घर के, वहाँ पर वो इस तरह से, यहाँ पर ये लैंप हो गई अपनी, और इधर आते हैं तो देखो यहाँ पर भी ये पीछे लाइट वाइट जलती है तो चमकता है, ये है यहाँ से। तो अगर ओवरऑल कहें तो अरे वाह भाई वाह, पहली बार मैं देख रहा हूँ शाम को खुद एक फ्रेम में, लग रहा है ना मस्त। तो भाई ये हैं कुछ नज़ारे, और इतने दिन की जो मेहनत है वो आज दिख रही है। बाकी नीचे की जो लाइटिंग है ये तो परमानेंट रहेंगी, ये लाइटिंग परमानेंट, बाकी जो ब्लू ब्लू है ऊपर झालर ये अपनी दिवाली की है, ये उतर जाएगी। एक बार अंदर आ जाते हैं और करते हैं एंड। तो भाई ये था अपना इतने टाइम की जो मेहनत थी पूरी, 4 महीने ज़्यादा ही हो गया यार, 29 जून से शुरू हुआ था, तो जून के बाद अब नवंबर भाई मिड हो चुका है। हाँ तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, और बिल्कुल कार वगैरह से हटके था, मैंने सोचा चलो जिस चीज़ के लिए गायब थे इतने दिन से वो आपको पहले बताया जाए कि आखिर कहाँ रहा हूँ, कहाँ मेहनत हुई है पूरी। तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो और जो पूरा अपना मेकओवर है यहाँ का वो कैसा लगा बताना ज़रूर, आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना और कॉमेंट ज़रूर कर देना नीचे। तो ये था इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।